जनता सवाल है ना, आप समझिए ना, जनता में तो बहुत तरह के लोग हैं, जिसको जितनी समझ है वो कर रहा है। असली बात है कि जो कंप्लेनेंट है, जिनकी शिकायत है, जिनका नुकसान हुआ है, सुशांत के पिता क्या चाहते हैं उनका इंटरव्यू लीजिए। अगर उनको बिहार पुलिस पर विश्वास न हो, भरोसा न हो, वो सीबीआई की मांग कर सकते हैं, तो हम क्यों सीबीआई को देंगे? हम मानते ही नहीं है कि हम इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, मजबूती से कर सकते हैं। बिहार पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस से मदद मांगी थी पुलिस असिस्टेंट के लिए, वहां के गृह राज्य मंत्री हैं शंभूराज, उन्होंने बोला कि लीगल ओपिनियन लेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। नहीं, उस पर हमारा नो कमेंट। एक आखिरी सवाल है कि बिहार अधिकारी हैं क्या यहाँ से कोई बड़े आईपीएस ऑफिसर या किसी महिला पुलिस की वहाँ जरूरत है? क्या वहाँ भेजेंगे? जरूर जाएंगे। कोई सीनियर आईपीएस अधिकारी भेजे जाएंगे। आप भी जाएंगे? खान के पिता से मिलने कौन गया था? उस समय तो हम लोगों को मालूम नहीं था कि ये घटना क्या मोड़ लेगी और क्या आगे आगे होगा, इसमें कितने पेच है। लेकिन सबसे पहले मिलने मैं गया था, और मैं क्यों गया था? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का शोक संदेश लेकर गया था, उनकी तरफ से उनका प्रतिनिधि बनकर गया था, और मैंने आदरणीय के सिंह, जो सुशांत के पिता हैं, उनसे मैंने कहा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस घटना से बहुत दुखी हैं और उन्होंने अपनी शोक संवेदना मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाई है। तो उस दिन से हम लोग चिंतित हैं। अब उनके पिता जब आए और प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए, तो हमें प्राथमिकी दर्ज करनी थी। 74 साल के आदमी हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, मुंबई में जाकर कैसे वो मुकदमा लड़ेंगे? अब जुरिस्डिक्शन की बात आप कर रहे हैं, जुरिस्डिक्शन है नहीं है, अब मामला तो सर्वोच्च न्यायालय में है। सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। हम इतना ही कह सकते हैं कि बिहार पुलिस को अगर मौका मिलेगा, वो नहीं बता सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि महेश सेठी से बात हुई है, टीम की उसका मैंने उससे बातचीत हुई है, उससे पूछताछ हुई है। ये सुशांत के दोस्त हैं और बताया जाता है कि बहुत सारे वाइटल इन्फॉर्मेशन इनके पास थे जो उन्होंने टीम के साथ शेयर किया है। सुशांत के एक पुराने कुक थे जिनका नाम है अशोक, उनकी मुलाकात हुई है टीम से, टीम ने उनका भी बयान लिया है। सुशांत की बहन मीतू सिंह हैं, उनसे टीम की बातचीत हुई है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है। अंकिता लोखंडे जो सुशांत के साथ जुड़ी हुई थी, पहले उनकी अच्छी मित्र थी, तो उनसे बात हुई है टीम की। डॉक्टर चावड़ा हैं सुशांत के, जो डॉक्टर थे जो इनका इलाज करते थे, उनसे हुई है। नीरज नाम का एक है जो सुशांत का सर्वेंट था या स्वीपर था, उससे बात हुई है। और भी बहुत सारे की विटनेसेज हैं जिसमें हम लोगों को मुंबई पुलिस के सहयोग से उन लोगों से पूछताछ करनी है। ये प्रिलिमिनरी स्टेज है और इन्वेस्टिगेशन में हमें मुंबई पुलिस से सहयोग की अपेक्षा है। हम उम्मीद करते हैं कि मुंबई पुलिस बहुत प्रोफेशनल है, सब अच्छे ऑफिसर हैं, वहाँ के पुलिस कमिश्नर भी अच्छे हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि मुंबई पुलिस इसमें हम लोगों का पूरा सहयोग करेगी। अभी तक हम लोग जिसका आप नाम रखे नहीं, अभी तक नहीं हो पाई है, अभी तक मुलाकात हो नहीं पाई है, अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई। जिमसम पर काम नहीं करते हम लोग, एविडेंस पर काम होता है, और हम इतना जल्दी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। और भीतर इन्वेस्टिगेशन की सारी बातों को अभी मीडिया के सामने खोलना ये उचित नहीं होगा, लेकिन इतना बात हम कह सकते हैं कि बिहार के लोग नहीं, पूरे देश के लोग इस मामले में न्याय चाहते हैं और सत्य उद्घाटित हो, सत्य सामने आए। अगर इसमें कोई लोग जिम्मेवार हैं तो उनके चेहरे से नकाब उतरे, और हम इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और किसी भी हालत में सत्य को उद्घाटित करके और ये सुशांत के आत्महत्या के मामले का पर्दाफाश हम लोग करेंगे, इस बात का दृढ़ संकल्प है हमारा। जो सुशांत हैं उनके पिताजी को अगर बिहार पुलिस पर विश्वास नहीं हो तो वो मांग करें कि हमें बिहार पुलिस पर विश्वास नहीं है, हमको सीबीआई जांच चाहिए। उनके इच्छा के अनुसार डिसीजन होगा। हम तो ये मानते ही नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम तो ये मानते हैं कि मौका मिलेगा तो हम करेंगे और करके दिखाएंगे इसको। हम क्यों मांग करेंगे? हमें क्यों देने की जरूरत है सीबीआई को? मेरे जाने के लिए मैं यहाँ का डीजीपी हूँ, हमारा देखिए मेरे जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे जाने की जो बता रहे हैं, इस घटना की जानकारी हमको नहीं है, और ये सवाल मुंबई पुलिस से पूछा जाना चाहिए, इसका जवाब हम नहीं दे सकते। थैंक यू। बिहार पुलिस सुशांत जी के पिताजी ने कराई है, वो बिहार में हुई है, तो उस प्राथमिकी के आलोक में बिहार पुलिस इस कांड का अनुसंधान कर रही है, उसी के लिए टीम मुंबई गई है।
देखिए इनिशियली एफआईआर, ये एफआईआर जो हुआ था 25 को लॉन्च हुआ था अंडर सेक्शन, ये राजीव नगर थाना है, पटना है वहाँ, और ये एफआईआर हुआ था, ये केस नंबर है 241/20 अंडर सेक्शन 341, 342, 306, 380, 406, 420, 506 और 120 बी के तहत ये हुआ है 6 लोगों के खिलाफ। टीम, ये एफआईआर हुआ 25 को, 27 को यहाँ से टीम चली गई और टीम ने वहाँ जाकर के मुंबई में 27 तारीख को पहुँचने के बाद ही सबसे पहले उसने उस सोसाइटी को विजिट किया, उस अपार्टमेंट को जहाँ ये सुशांत जी रहते थे। उसके बाद 7 बजे उसी दिन उस सोसाइटी में गई जहाँ पर एक मुख्य अभियुक्त जिसको बनाया गया है उनका आवास है, और उसी दिन एक सुशांत के मित्र से भी मिली। लेकिन 28 तारीख को टीम डीसीपी बांद्रा से गई, डीसीपी बांद्रा अभिषेक जी हैं, अच्छे पदाधिकारी हैं, 2007 बैच के ऑफिसर हैं, उनसे ये टीम मिली और एफआईआर की कॉपी उनको हैंड ओवर किया। उनके साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत भी हुई। उन्होंने ये सलाह दिया कि आप लोग कल डीसीपी क्राइम से मिलिए। दूसरी टीम गई डीसीपी क्राइम से, किसी कारणवश मुलाकात नहीं हो पाई, बहुत देर तक वेट करने के बाद लौट करके चले आए लोग। 29 को फिर डीसीपी डिटेक्शन के यहाँ जा कर के ये टीम कोशिश की और मुलाकात नहीं हो पाई। फिर पटना के सीनियर एसपी ने यहाँ से अनुरोध किया अपने काउंटर पार्ट को कि हमारी जो टीम गई है उसको आप कोऑपरेट करें, सहयोग करें, और उसके बाद हमको लगता है कि चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो गई हैं। और निश्चित रूप में कल शाम को डीसीपी क्राइम से बहुत अच्छी टीम की मुलाकात हुई है, बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ है और काफ़ी फ्रेंडली मैनर में ये डिस्कशन हुआ है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच में हम लोग आपका सहयोग करेंगे। क्या मामला है? इन दिस केस इज सैटिस्फैक्शन ऑफ द कंप्लेनेंट। हुज कंप्लेनेंट? फादर ऑफ सुशांत, ही इज अ प्रेटी ओल्ड मैन, ही इज मोर देन 74 इयर्स ओल्ड, सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गो टू मुंबई एंड फाइट द केस। दिस वाई केस हैज बीन रजिस्टर्ड हियर इन राजीव नगर पुलिस स्टेशन इन पटना, एंड आवर टीम हैज बीन डिस्पैच, टीम इज कैंपिंग ओवर देयर, टीम इज मीटिंग डिफरेंट ऑफिसर, स्टडर ऑल्सो टीम हैज ए नाइस मीटिंग विद डीसीपी क्राइम, एंड वॉट वी वॉन्ट इज मेडिको लीगल एविडेंस, द हेल्प एंड कॉपरेशन इन कलेक्शन ऑफ मेडिको लीगल एविडेंस, फॉर एग्जाम्पल FSL रिपोर्ट ऑफ द PO, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, PM रिपोर्ट, CCTV फुटेज ऑफ द PO एंड सराउंडिंग्स, वीडियोग्राफी ऑफ द PO, ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल विद द मुंबई पुलिस ओनली, ऑल अदर डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू दिस इंसिडेंट और दिस UD केस और whatever is available with मुंबई पुलिस। मेडिको लीगल एविडेंस हम चाहते हैं, FSL रिपोर्ट चाहते हैं PO की, इंक्वेस्ट रिपोर्ट चाहते हैं, PM रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहते हैं, CCTV फुटेज चाहते हैं घटनास्थल का और उसके आसपास के एरिए का, वीडियोग्राफी चाहते हैं घटनास्थल का, और ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी इस घटना से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हमारी टीम ने वहाँ के अधिकारियों से मिल करके और लिस्ट दे दी है कि हमको ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरत हैं, हमको मिलनी चाहिए। और हम ये नहीं कर सकते, जैसे सोशल मीडिया पर कल चल रहा था पुलिस के साथ बहुत दुर्व्यवहार, बिहार पुलिस के साथ दुर्व्यवहार होने, हमें ये बताया गया है कि वो लोग, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और मुझे ये मेरी टीम के लोगों ने बताया है सीनियर एसपी पटना के माध्यम से कि वो लोग इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्डिक्ट का इंतजार कर रहे हैं। ये मामला शायद एक्यूज पक्ष के लोग लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद संभवतः वो हैंड ओवर करेंगे। तो हम अभी ये एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है कि वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। बिहार पुलिस हो या मुंबई पुलिस हो, सबका उद्देश्य एक ही है। इसको हमारी टीम पहुंच गई, उसी दिन जाकर के सुशांत जिस घर में रहते थे, फ्लैट में रहते थे, बाहर से उसका मुआयना किया। प्रमुख एक अभियुक्त जो इसमें बनाए गए हैं उनके घर का मुआयना भी उसी दिन जुहू में जाकर के कर लिया। फिर 28 तारीख को टीम हमारी DCP बांद्रा से मिली थी, DCP बांद्रा से मिल करके और सारे अपने FIR वगैरह अपना दिया था, उनको बताया था कि केस में हम लोग आए हैं, इन्वेस्टिगेशन में हमको सहयोग चाहिए। उन्होंने DCP इन्वेस्टिगेशन या DCP क्राइम से मिलने की सलाह दी थी। दूसरे दिन 29 तारीख को हमारी टीम गई थी, लेकिन वहाँ 4-5 घंटे वेट करने के बाद इनसे मुलाकात नहीं हुई थी। उसके बाद में कुछ कन्फ्यूजन चल रहे थे, लेकिन कल हमारी टीम की मुलाकात वहाँ के DCP क्राइम से हो गई है, बहुत अच्छे से बातचीत हो गई है।
और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आगे से मुंबई पुलिस का भरपूर सहयोग मिलना चाहिए। तो मैं अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से ही ये बात मुंबई पुलिस तक पहुंच जाए कि भाई उनकी सुरक्षा का इंतजाम करिए, उनको एक वाहन दे दीजिए और उनके रहने का कोई सेफ जगह का इंतजाम कर दीजिए, इतना सहयोग दे दीजिए। और बाकी मेडिकल लीगल एविडेंस जो है उसके कलेक्शन में हमने लिखित रूप में वहाँ मांगा है हमारी टीम ने, भाई ऐसे FSL रिपोर्ट चाहिए, PO का इंक्वेस्ट रिपोर्ट चाहिए, PM रिपोर्ट चाहिए, CCTV फुटेज चाहिए, घटनास्थल का, सराउंडिंग का, वीडियोग्राफी PO का हो तो वो चाहिए और ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू दिस केस तो चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे से मुंबई पुलिस हम लोगों को बहुत अधिक सहयोग करेगी। और अब देखिए सत्य तो पहुँचना है, पूरा देश उबल रहा है, युवाओं में इतना आक्रोश है पूरे देश में, चाहे वो बिहार की बात नहीं है, सुशांत केवल बिहार का बेटा नहीं था, पूरे हिंदुस्तान का बेटा था, पूरे हिंदुस्तान का सेंटिमेंट उसके साथ जुड़ा हुआ है, लोग जानना चाहते हैं कि सुशांत के साथ आखिर हुआ क्या। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी लीगल भी जिम्मेदारी है कि हम सत्य को उद्घाटित करें और मुंबई पुलिस की भी ये नैतिक और वैधानिक जिम्मेदारी, हम दोनों एक दूसरे को सहयोग करके और सच्चाई तक पहुंचे और सच्चाई तक तो पहुंच करके रहेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी भी ने कहा है सुशांत को इंसाफ दिलाएंगे, तो ऐसे ही नहीं कहा है, संकल्प है उनका कि सुशांत को न्याय दिलाएंगे, हम लोग तो उसके लिए कुछ भी करेंगे, किसी हद तक जाएंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस नहीं है, ये देश का एक बेटा नुकसान हुआ है जो बहुत ही तेज तर्रार था, मेधावी था, जो लाइफ में सक्सेसफुल था, जो हमेशा हंसता रहता था, जो हमेशा मुस्कुराता रहता था, खिलखिलाता रहता था, वो एक दीपक बुझ गया है, पूरे देश का सेंटिमेंट उसके साथ है, लोग जानना चाहते हैं कौन ऐसे हालात थे जिसमें एक ऐसे नौजवान लड़के ने जो हमेशा हंसमुख रहता था, लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल था, उसने उसके साथ ये हादसा हो गया। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, हम लोगों के हृदय में पीड़ा है, हमारे मुख्यमंत्री जी इतने दुखी थे जिस दिन घटना हुई उस दिन उनकी उनके शोक संवेदना को लेकर के मैं आदरणीय के सिंह के साहब आप पूछिए बात करिए, सबसे पहले मैं पहुंचा था, मैंने बताया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझको भेजा है, इस घटना से बहुत अधिक दुखी है, पर्दा उठाना चाहते हैं, हम किसी पर एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, मुंबई पुलिस बहुत प्रोफेशनल रही है, बहुत काबिल लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदाधिकारी वहां हैं, वहां के DGP भी बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं, मैं उनको जानता हूं, मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मिलजुल करके ही सत्य पर से पर्दा तो उठना चाहिए, ये संकल्प है हमारा, संपूर्ण बिहार का, संपूर्ण देश की आवाम का यह संकल्प। इस मामले को एक अभियुक्त पक्ष की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी ले जाया गया है, अभियुक्त पक्ष का भी कहना है कि हम जांच नहीं कर सकते, तो अब मामला जब सर्वोच्च न्यायालय में चला गया है तो जो सर्वोच्च माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे, लेकिन हमारे मन में और पूरे हिंदुस्तान के दिल में यह बात है कि सुशांत के साथ जस्टिस होना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, और हमारे मुख्यमंत्री इसीलिए दुखी हैं। दर्ज कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो होती है, तो हमारे यहां जो प्राथमिकी हुई है, FIR हुआ है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, हम तो उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना, आरोप तो ये है कि उसके साथ छल हुआ, चीटिंग हुई, फ्रॉडगिरी हुई और बहुत सारी धाराएं हैं इसमें, और उसको इस स्थिति में ला दिया गया कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, आरोप तो यह है कि ही वाज फोर्स टू कमिट सुसाइड, उसको आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, यह आरोप है और 6 लोगों पर है आरोप है, हम तो उसकी जांच कर रहे हैं।